आज हम बनाएंगे मेथी पोमफ्रेट। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे पोमफ्रेट फिश। मछली को पहले से मैंने नमक और हल्दी डाल के मैरिनेट करके रखी है। मछली थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम मछली को पलट देंगे। पोमफ्रेट फिश बहुत ही नाजुक होता है, तो फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना पड़ेगा। मछली की बोथ साइड बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जो मछली है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर इसको एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे मेथी। मेथी थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। मेथी को बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब मेथी डालिए सिर्फ फ्लेवर के लिए। देखिए हमारा जो मेथी है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो फिर कढ़ाई से इसको निकाल देंगे। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे टमाटर, लहसुन और हरा मिर्च की पेस्ट। मैंने साथ में पेस्ट कर लिया है, अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग भी पेस्ट कर सकते हैं। मसाला थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। पाउडर मसाला को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। मसाला थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के मुताबिक। नमक को भी बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए हमारा जो मसाला है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल भी चुभने लगा है। फिर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इसमें उबल भी आ चुका है। फिर हम इसमें डालेंगे मछली फ्राइड किया हुआ। मछली को बीच बीच में पलटना पड़ेगा। हम मछली को बहुत अच्छे से पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम मछली को और एक बार पलट देंगे। मछली को हम तब तक पकाए जब तक इसका जो ग्रेवी है ये थिक ना हो जाए। देखिए हमारा जो मछली है ये बहुत अच्छे से बन चुका है। इसको आप एक प्लेट में सेट कर लें। मेथी पोमफ्रेट को आप चावल के साथ ही सर्व करें।